ये रोमानिया बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर यहाँ से रोमानिया बॉर्डर तक जाना मुमकिन ही नामुमकिन है। ठीक है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है जिससे हम जा सकते हैं। एम्बेसी ने कुछ भी अभी तक ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है खारकिव शहर के लिए। एम्बेसी ने जो बच्चे ले जाए गए हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि हाँ रोमानिया से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चर्निव्स की एक जगह है जो कि रोमानिया बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ से तो बच्चे पैदल भी जा सकते हैं, वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो असली जगह ये जो खारकिव जो यूक्रेन का एंड है ईस्ट साइड में, जो रशिया से 20-25 किलोमीटर दूर है सिर्फ, यहाँ 7000 बच्चे पढ़ते हैं। 7000 टोटल 20000 स्टूडेंट हैं यूक्रेन में, उसमें से 7000 स्टूडेंट यहीं हैं क्योंकि यूक्रेन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहीं हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो अभी तक कोई उनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, कैसे जाएंगे, क्या होगा, ना यहाँ खाने को है। ठीक है, लोगों के पास खाने को नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है, खाने की दुकानें वगैरह सब बंद हैं। ठीक है, और ये जो आप मेरे पीछे बस देख रहे हैं, ये बस अरब स्टूडेंटों ने और उनकी गवर्नमेंट ने उनके लिए ऑर्गेनाइज़ करके दी है ताकि वो यहाँ से रोमानिया बॉर्डर जा सकें। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़ करे, चर्निवस्की से नहीं, वो तो 20 किलोमीटर दूर है खारकिव से, ये है 1000 किलोमीटर दूर, हम कैसे जाएं यहाँ से। तो हमें मेरी आपसे विनती है कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए क्योंकि आज 2 दिन हो गए हैं मेट्रो के अंदर, हम भूखे प्यासे, ठंड आप देख रहे हैं बर्फ़ हो रही है, पूरे -5 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, इस ठंड के अंदर हम रात गुजार रहे हैं यहाँ पे। तो आगे कि आप जल्द से जल्द, मुझे उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी ऐसा कोई स्टेप लेगी जैसा कि इजराइल और बाकी अरब देशों के जो गवर्नमेंट है उन्होंने उन बच्चों के लिए लिया है, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके। हमारे खारकिव के कॉन्ट्रैक्टर जो हैं सबसे बड़े जो है वो हरदीप सिंह हैं, वो खारकिव के ही नहीं यूक्रेन के नंबर वन है वो। उनके अगर उनके साथ एम्बेसी मिल करके आप उनसे संपर्क कर करके अगर आप कुछ करना चाहें तो ये नामुमकिन नहीं है, ये बहुत आसानी से हो सकता है काम, पर आप उनके साथ मिलकर कुछ ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश तो कीजिए। ये देखिए यहाँ छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टरों ने मिलकर के बस अरेंज कर ली है और ये रोमानिया बॉर्डर पे जा रहे हैं। खारकिव के बच्चे आज भी खारकिव में ही फंसे पड़े हैं, 7000 बच्चे हैं जो खारकिव में ही हैं, उनको अभी तक कुछ नहीं पता, बस वो सुबह उठते हैं और सोचते हैं कुछ खाने का इंतजाम किया जाए और कैसे है जो दिन निकाला जाए, और ऊपर से बम पड़ रहे हैं